बिहार की बात आते ही यहाँ के व्यंजनों का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब भी व्यंजन की बात होती है तो आम तौर पर लोग केवल बिहार का मोस्ट फेमस व्यंजन लिट्टी चोखा की बात करते हैं, पर बिहार में इसके अलावा भी कई ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन हैं जो कि पूरी देश दुनिया में फेमस हैं और लोग उसे खूब खाना भी पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा। आज हम बिहारी जायका में बात करेंगे पैनकेक की तरह दिखने वाली बिहार की मशहूर स्वीट डिश की। बचपन में दादी नानी अक्सर किसी खास ओकेजन पर इस डिश को बनाया करती थी। इस डिश का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इसे घर में बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है। क्षेत्र के हिसाब से इसके बनाने के विधि में थोड़ा बदलाव जरूर दिखाई देता है, लेकिन इसका जायका इसके हर रूप में लोगों को काफी पसंद आता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के हर पर्व का साथी मालपुआ की। शायद आपको ना पता हो कि ये डिश सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पसंद किया जाता है। बता दें कि भारत के अलावा इसे बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी काफी पसंद किया जाता है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में मालपुआ को पारंपरिक रूप से पुआ के रूप में जाना जाता है और इसे खास तौर पर होली में बनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे जैसे लोगों को मालपुआ का स्वाद मिलता गया, वैसे वैसे इसकी वैरायटी में भी बदलाव आता गया है। आज के समय में घर में आसानी से बनाए जाने वाले इस डिश को अंडे और मावा के साथ भी तैयार किया जाता है। कहते हैं कि बांग्लादेश में इसको फल के साथ मैश करके बनाया जाता है, वहीं नेपाल में इसे मारपा कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस फेमस डिश का इतिहास क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं कि मालपुए के पीछे का क्या इतिहास है। अगर मैं आपको कहूं कि मालपुआ सबसे भारतीय पुरानी मिठाई है तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद चार वेदों में से एक है। ऋग्वेद के अनुसार पहले इस मालपुआ को अपूपा के नाम से जाना जाता था। कहा यह भी जाता है कि शुरू में इसे बनाने के लिए जौ का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय इसे घी में तला जाता था और शहद में डुबोया जाता था। आपको बता दें कि ऋग्वेद भोजन एक महत्वपूर्ण पहलू की बात की गई है जिसमें अपूपा की बात हुई है। वहीं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मालपुआ को पुपालिक के नाम से जाना जाने लगा था। तब तक इसके बनाने की विधि में कई तरह के और परिवर्तन हो गए थे। उस दौरान इसे गेहूं के आटे या फिर चावल के आटे से बनाया जाने लगा। उस दौर में इसे गुड़ की चाशनी में डुबोया जाता था। बता दें कि उड़ीसा से भी मालपुए का एक इतिहास जुड़ा है। प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर में मालपुए को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। मालपुआ भगवान को चढ़ने वाले 56 भोगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसे मंदिर में राजा गजपति प्रताप रुद्र देव के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यह पकवान श्री मंदिर 56 भोग का हिस्सा बन गया। भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर में मालपुआ को अमारू के नाम से ही जाना जाता है। यह एक ऐसा पकवान है जिसे देखकर ही लोगों को खाने का मन करता है, पर खाने के दौरान कई लोगों के मन में इससे जुड़े कई सवाल उठते हैं कि मालपुआ हमारी सेहत के लिए कितना सही है, इसे खाने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं कि मालपुआ खाने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर होता है। हम जानते हैं कि मालपुआ को बनाने में आटा, घी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल से किया जाता है और यह सभी चीजें हमारी सेहत के लिए काफी अच्छी होती है। मालपुआ बनाने में गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है और गेहूं के आटे में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। मालपुआ को बनाने में घी का भी इस्तेमाल किया जाता है और शोध से यह साबित हुआ है कि घी में फैट कम होता है। इसमें स्वस्थ वसा होती है जो इसे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल जोड़ती है। घी अन्य प्रकार के वसा की तरह हृदय रोग का कारण नहीं बनता है। यह पेट को लाइन करता है और अल्सर और कैंसर की संभावना को भी कम कर देता है। बता दें कि घी ब्यूटिरिक एसिड से भरपूर होता है जो शरीर को बीमारियों से लड़ने वाली टी कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। घी महत्वपूर्ण तेल में घुलनशील विटामिन ए और ई का एक भरोसेमंद स्रोत है जो स्वस्थ यकृत, संतुलित हार्मोन और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक माना जाता है। मालपुआ में बादाम भी डाले जाते हैं और बादाम हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा आलमंड हमारी आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इस व्यंजन को बनाने में केसर का भी उपयोग किया जाता है और केसर में गहरा नारंगी पानी में घुलनशील कैरोटीन होता है जिसे क्रोशीन कहा जाता है।
जो केसर के सुनहरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्रोसिन को विभिन्न प्रकार के मानव कैंसर कोशिकाओं, ल्यूकेमिया, डिंब ग्रंथि कार्सिनोमा, कोलन एडेनोकार्सिनोमा और नरम उत्तक सार्कोमा में एपोप्टोसिस को ट्रिगर करने के लिए पाया गया है। आज के लिए बिहारी जायका में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए बिहार के व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।